नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, प्रदेश के नागरिक कमलनाथ सरकार को याद करते हुए कह रहे हैं कि एक कांग्रेस सरकार थी जिसने बिजली का बिल आधा कर दिया था और भाजपा सरकार है जिसने प्रदेश की बिजली को ही आधा कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं है। वहीं ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कोयले की कोई कमी नहीं है। सच्चाई यह है कि 4 मई 2022 को देश के 173 पावर प्लांट में से 99 पावर प्लांट क्रिटिकल स्थिति में है, अर्थात उसकी आवश्यकता के 25% से भी कम जब पावर प्लांट में कोयला होता है तो उसे क्रिटिकल स्थिति कहा जाता है। हालत यह है कि दो दो चार चार दिन का कोयला ही इन पावर प्लांटों में शेष बचा हुआ है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के 4 पावर प्लांट में से 3 पावर प्लांट क्रिटिकल स्थिति में है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता 1340 मेगावाट है जो 56% प्लांट लोड फैक्टर पर चल रहा है, अर्थात आधा उत्पादन हो रहा है, जिसमें सामान्य संचालन के लिए कोयले की आवश्यकता 585,000 टन है, मगर इसके पास कोयला 42,000 टन उपलब्ध है और इस प्लांट में 85% प्लांट लोड के आधार पर प्रतिदिन 22,000 टन कोयले की आवश्यकता है, अर्थात दो दिनों का कोयला शेष इस प्लांट में बचा है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट जिसकी क्षमता 1310 मेगावाट है, जिसका प्लांट लोड फैक्टर 29 है, अर्थात इसमें 30% ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस पावर प्लांट के सामान्य संचालन के लिए 473,000 टन की आवश्यकता है, इसके पास मात्र 43,000 टन कोयला उपलब्ध है। They are all executed plants. प्लांट एग्जीक्यूट होने के बाद ही करार किया जाता है, पर करार कुछ इतने महंगे कॉस्ट में किए गए हैं कि मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के आधार पर बिजली ली जाती है। मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का मतलब यह है कि जो आपकी डिमांड है उसमें जो सबसे सस्ती बिजली जो उस समय में उपलब्ध है वो सबसे पहले सप्लाई की जाएगी, वरीयता के आधार पर फिर महंगी बिजली को लिया जाएगा डिमांड के अनुसार। अब आपने 23,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कर दी करार कर करके, तो उन जो 50 मेगावाट 60 मेगावाट जो 15-20 रुपये तक के करार हैं वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, वहां से कभी बिजली ली नहीं गई है, नहीं उतनी डिमांड ही नहीं पहुंची ना। हमारी जब 23,000 पे डिमांड पहुंचेगी तब उनसे लेना चाहिए, या फिर आपको दूसरे सोर्सेज से बिजली नहीं मिल रही है तब उनको लेना चाहिए। तो आज समय है वहां से बिजली लेने का, पर नहीं ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल इतनी आवश्यकता ही नहीं थी। मध्य प्रदेश को सरप्लस स्टेट बताने के लिए आप करार करते गए, जिस कीमत में करार किया हुआ उसमें करते गए आप। Yes, when there are coal reserves in the country. That is on the, I cannot exactly give you the number, but we have enough coal resources to run our thermal plants at the moment. See, when you have coal is a natural resource, you do not have to produce, you have to only excavate it. The excavation is going on. Coal blocks are being allotted to people. That has not stopped. People who have not paid up are not being given coal by the government. And the coal in India is not a private sector enterprise, it's a public sector enterprise. Coal India allocates blocks from different coal fields to different people who demand coal, private and government centric. So the government to, it's a government to government transfer. Here no private person is involved. Coal India can stop coal to private people and private players and start supplying to the government sector. It is completely public owned. There is no private party in between. The dues haven't been paid. But if dues haven't been paid due to financial crisis, a public sector companies, the government can find out a way, so the supply chain is not affected. 660 crores. 5,000 crores तो ये कर ही नहीं पाएंगे, इनके पास पैसा कहाँ है? 660 crores. They are just trying to dodge the people. 50% of the people are not going to go and apply. 50% have already paid up. It solves their purpose entirely. People who have
whose electricity supply was cut off by them have already paid up. And some of them are too busy, they will do their work, their daily chores, or they will they go and apply in the electricity department. So this is a way of actually diluting the situation. पत्र श्वेत पत्र तो जारी करना ही चाहिए. श्वेत पत्र तो न सिर्फ यहाँ की सरकार को पर केंद्र सरकार को भी जारी करना चाहिए. दोनों सरकारों को श्वेत पत्र जारी करने चाहिए कि आप सरकारी इतना कोयला के रिजर्व देश में होने के बाद ऐसी स्थिति आपने क्यों निर्मित की और आप कौन सा बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं, ये भी श्वेत पत्र में इंकित करना चाहिए. देखिए जो घोषित कटौती है वो लोग कर रहे हैं जो ईमानदारी से बता रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है. और यहां पर जो चोर चोर मौसेरे भाई दोनों बैठकर ये तय कर रहे हैं कि कटौती तो हो ही नहीं रही है. जब मंत्री ये कह रहा है कि कोयले की कमी नहीं है तो कटौती हो ही नहीं रही है. अब कटौती हो ही नहीं रही है तो फिर अघोषित ही तो होगी कटौती. फिर घोषित कटौती कैसे होगी भाई? एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं. भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट. योर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन.